हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपलोडेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे हमारे पास गाइस दिया हुआ है कि भाई हमें पहचानना होता है कि इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है क्या। जब बैंक इंटरेस्ट से कुछ इनकम कमाता है तो उसे इंटरेस्ट अर्न बोलते हैं और इसे शेड्यूल नंबर 13 में रिकॉर्ड किया जाता है। जब बैंक इंटरेस्ट के अलावा कोई इनकम कमाता है तो उसे अदर इनकम कहते हैं, इसे शेड्यूल नंबर 14 में रिकॉर्ड किया जाता है। जब बैंक इंटरेस्ट खर्च करता है तो उसे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड बोलते हैं और इसे रिकॉर्ड करते हैं हम 15 में, यानी इंटरेस्ट जब बैंक देगा तो उसे 15 में रिकॉर्ड करेंगे। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब इंटरेस्ट के अलावा जितने भी खर्चे होंगे बैंक के, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएंगे, जिसे हम शेड्यूल नंबर 16 में रिकॉर्ड करेंगे। गाइस क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए बोलते, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक लोन देता है इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो रहेगा वो शेड्यूल नंबर 13 में आएगा। तो बैंक लोन देगा इसलिए ये बैंक की इनकम हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट देता है इसलिए ये भी बैंक की इनकम हो जाएगी। ये भी मतलब जो है तो इंटरेस्ट अर्न यानी शेड्यूल नंबर 13 में आएगा। रेंट एंड टैक्सेस, ये बैंक के ऑफिस के खर्चे हैं इसलिए ये शेड्यूल नंबर 16 में आएंगे। उसके बाद डायरेक्टर फीस, ये भी 16 में आएंगी। उसके बाद में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ये भी बैंक के एक तरह का इंटरेस्ट की इनकम है, इसे शेड्यूल नंबर 13 में रिकॉर्ड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, तो ये बैंक का मतलब एक तरह का खर्चा होता है जो कि लोगों के डिपॉजिट जमा होते हैं, तो इसे हमें शेड्यूल नंबर 15 में रिकॉर्ड करना होगा। कमीशन, तो कमीशन बैंक का खर्चा है इसलिए इसे इंटरेस्ट मतलब इसे हमें इंटरेस्ट एक्सपेंड में सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना होगा, जो कि हमारा शेड्यूल नंबर 16 कहलाएगा। इसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, ये भी 16 में आएगा। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट, ये माइनस हो जाएगा हमारा डिस्काउंट में से। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, बैंक इंटरेस्ट देता है तो कैश क्रेडिट पर इंटरेस्ट मिलेगा इसलिए ये भी शेड्यूल नंबर 13 में आएगा। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट जितने भी रहेंगे बैंक के वो मतलब जो है तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में आएंगे, तो इसका मतलब ये शेड्यूल नंबर 15 में आ जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंस ये भी ऑफिस का खर्चा है इसलिए 16 में आ जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी खर्चा है बैंक का तो इसे हम ऑफिस का खर्चा मानेंगे, तो ये भी 16 में आ जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी 16 में आ जाएगा। ऑडिटर फीस, ये भी 16 में आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन एसबी डिपॉजिट, तो ये हमारा 15 में आ जाएगा। तो इस तरह हमें इसको रिकॉर्ड्स करना होगा, यानी हम चार शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 14, शेड्यूल नंबर 15, शेड्यूल नंबर 16। तो इसके बाद में गाइस दिया हुआ है प्रोविजन फॉर द टैक्स कितना है, 55%। उसके बाद में बैड डेट्स जो है वो 80,000 है। ट्रांसफर 20,000 प्रॉफिट टू स्टैटिचरी रिजर्व, यानी जो 20% जो प्रॉफिट हुआ उसे हमें स्टैटिचरी रिजर्व को देना है, जबकि जो प्रोवाइड्स 40,000 है तो वो डिविडेंड के लिए है। और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर कितना है, 240। तो ये गाइस क्वेश्चन दिया हुआ है। अब गाइस इंटरेस्ट अर्न मतलब बैंक ने जो इंटरेस्ट कमाया वो क्या क्या है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है जो कि 3,08,000 है। इंटरेस्ट ऑन लोन 5,08,000, बैंक लोन देता है इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन भी इंटरेस्ट अर्न में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, यानी बैंक ने कैश दिया तो वो भी मतलब इनकम होगी बैंक की इंटरेस्ट वाली। और डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट, 390 तक क्वेश्चन में उसमें से आपको रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट माइनस कर देना है, तो 2,92,000 हो गया। इन सब की टोटल गाइस कितनी हो रही है, 15,64,000। इसके बाद में अदर इनकम, अदर इनकम कमीशन, हमारे पास क्रेडिट था इसलिए इसे हमें अदर इनकम में 16,400 रुपये रिकॉर्ड करना होगा। अब गाइस शेड्यूल नंबर 15 आता है जिसमें हमें इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मिलता है। इंटरेस्ट एक्सपेंड मतलब बैंक जहाँ पर इंटरेस्ट देता है, जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं उन सब पर बैंक को इंटरेस्ट देना होता है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 5,50,000, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 84,000, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कितना है, 1,36,000। इन सब की टोटल हो रही है 7,70,000। इसके बाद लास्ट फॉर्मेट है ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, जो कि शेड्यूल नंबर 16 है। और इसके बाद में हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब ऑफिस के खर्चे, जैसे रेंट एंड टैक्स, डायरेक्टर फीस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, उसके बाद में सन्ड्री एक्सपेंसेस, उसके बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑडिटर फीस, इन सब की टोटल है गाइस 1,64,400।
इसके बाद में हमें प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में पहले इनकम, इनकम में इंटरेस्ट आर्न, जो कि हमने इंटरेस्ट आर्न कितना निकाले थे 15,64,000। फिर उसके बाद में अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14 में थी 16,400। ये दोनों की टोटल करना है आपको 15,80,400 निकालना है। इसको नाम देना है टोटल इनकम ए, टोटल इनकम ए। इसके बाद आपको एक्सपेंसेस लेना है। एक्सपेंसेस के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 7,70,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,64,400। ये दोनों की टोटल, और ये तीसरी टोटल है प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी। असल में गाइस क्वेश्चन में दिया हुआ था 40% ऑफ द इनकम टैक्स, तो निकालना कैसे है आपको पहले टोटल इनकम लेना है। टोटल इनकम है 15,80,400, इसमें से माइनस करना है टोटल खर्चे 7,70,000 माइनस करना है और 1,64,400 माइनस करना है। और इसमें से आपको बैड डेट्स दिया हुआ था, यहाँ पर बैड डेट्स दिया हुआ था 80,000, इसको 80,000 को माइनस करना है। 80,000 माइनस करने के बाद 5,66,000 बचा, इसका बनाना है आपको 40%, तो ये आ गया 2,26,400। और प्लस फिर से बैड डेट्स को प्लस कर देना है, तो बैड डेट्स 80,000 था, ये हो गया 3,06,400। और अब इन सब की टोटल कर देना है आपको, जो आके 13,25,700 हो जाएंगी। अब इसके बाद में गाइस, अब ये टोटल एक्सपेंस आ गया बी, टोटल इनकम भी आ गया ए, अब प्रॉफिट एंड लॉसेस ड्रॉ करना है। प्रॉफिट एंड लॉसेस में आपको करना क्या है, करंट ईयर का प्रॉफिट देखना है। तो करंट ईयर का प्रॉफिट ए माइनस बी, ए कितना है 15,80,400 और बी कितना है 13,25,700, ये दोनों माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 2,54,700। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ था 2,40,000, ये दोनों की टोटल करके 4,94,700 हो जाएंगी, जिसे हमें टोटल प्रॉफिट सी नाम देना होगा। अब इसके बाद में अप्रोप्रिएशन बनाना है, तो अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर टू स्टैटूटरी रिजर्व्स, ये 20% दिया हुआ था, 20% का आएगा करंट ईयर के प्रॉफिट का। करंट ईयर का प्रॉफिट है हमारे पास में 2,54,700, इसका कितने परसेंट 20%, तो 20% आ जा रहा है 50,940। उसके बाद में ट्रांसफर टू डिविडेंड कितना है 40,000, और 40,000 ये होने के बाद करना क्या है, ये 4,94,700 में से ये और ये माइनस करना है, तो ये दोनों माइनस करने के बाद में जो बच जाएगा वो बैलेंस रहेगा, और इन्हीं की तीनों की टोटल करके आपको यहाँ पर लिख देना है, जिसका नाम अप्रोप्रिएशन रहेगा।